आज यूएई में वीकेंड स्टार्ट हो गया है. वी हैव 4 days ऑफ लॉन्ग वीकेंड और मैंने और शाफिन ने कुछ चीज़ें सोची हैं जो हम वीकेंड्स पे सेलिब्रेट करेंगे और वीकेंड को मज़ेदार बनाएंगे. शाफिन ने भी फुटबॉल की प्रैक्टिस करनी है और ही इज़ जस्ट वेटिंग फॉर दिस वीकेंड के वीकेंड आया. वैसे तो हमने वीकडेज में भी किया है क्योंकि उसने फुटबॉल लिया था और ही वॉज क्रेजी टू प्ले. तो अभी मैं उसको लेके जा रही हूँ प्रैक्टिस पे. इतना ज़बरदस्त मौसम है, हवा चल रही है, ठंड बिल्कुल नहीं है. औलाद माशाल्लाह माशाल्लाह तबारक अल्लाह खुद लगाया है. पहले 3 दिन इसने मुझे कोई टपाया है. ही वॉज लाइक कि यू शुड प्ले विद मी और मैं अपने टूटे हुए पाँव के साथ इसके साथ खेल रही थी. मेरी तो बस हो गई थी. मैंने भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा भैया ये तो मुझे ख़त्म कर देगा. चलो मैं इसके साथ जितना कर सकती हूँ करा रही हूँ प्रैक्टिस, लेकिन मैं इसके साथ फुल टाइम नहीं खेल सकती 1 आवर बिकॉज मैं पहले भी पूरे दिन में अपना वर्कआउट किया होता है. फिर आई हैव फुट पेन. फिर उसने इसको कोई 30 मिनट्स का एक सेशन दिया, मोटिवेशनल सेशन. उसने कहा आप अकेले खेल सकते हैं. फिर उसने बताया कि आपको कैसे कोऑर्डिनेशंस करनी है, कैसे गोल प्रैक्टिसेस करनी है. तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब चीज़ें ज़रा बेहतर हैं और अब ये खुद खेल रहा है. आज मुझे तंग नहीं कर रहा, वरना इसने जो मुझे तंग किया लास्ट वीक इसने. हाँ दूर से फेंकते हैं, ये मारते हैं भाई जबरदस्त किस्म की. माशाल्लाह ये देखिए टिटी टिटी बनी हुई है. ओए होए नंगे पांव स्कूटियां चला रहे हैं, सबके जाऊं मैं इनके. और ऐसी दूर से फेंकते हैं फटाक करके जाके ना दीवार में मारते हैं. वो देख ओए हो क्या मारी है उन्होंने. ये आएंगे अभी देखें और अभी यहीं पे मारेंगे. ये देखें आज तोड़ के जाएंगे भाई अपनी स्कूटी, मैं आपको बता रही हूँ. वो देखें थोड़ी देर बाद लेट जाते हैं, फिर कुछ होता है इनको, कुछ काटता है, फिर शुरू हो जाते हैं. चले नॉट डन. मुझे खाना भी बनाना है. इसको क्या फर्क पड़ता है, जाके बैठ जा. नाउ गोइंग बैक. माई बिल्डिंग की बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कि आपको किसी भी कॉरिडोर्स के अंदर वाटर बॉटल्स नज़र नहीं आएंगी, जो कि मोस्टली दुबई अपार्टमेंट्स में बाहर डोर्स के ऊपर होती है. यहाँ पर ऐसे नोटिसेस लगते हैं ना अगर कोई लगा दे तो. पिटू जी आपने कॉल की है एलिवेटर? थक गए हो? ओह सही स्वेटिंग हो रही है, अभी जाके शावर लें. जी जानी इस तरह से तो नहीं बैठ सकते ना आप, हालत देखें अपनी. आकर शावर ले रहा है और उसके बाद हम डिनर करेंगे एंड देन वी विल हैव अ इशा और इशा के बाद फिर हमारी मूवी नाइट होगी. ये क्या कपड़े हैं? अच्छा चलें उसको लेफ्ट साइड पे करें ना जानी, उसको लेफ्ट साइड पे करें, गर्म पानी आएगा. किसको पता नहीं है कि रिकॉर्डिंग हो रही है वरना.
मी, जैसे मेरी जो है बैटरीज डाउन हो जाती हैं बिकॉज आई वेक अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग. तो लेकिन अब भाईजान के साथ जाना तो पड़ेगा ना जी. जब तक शाफिन साहब शावर ले रहे हैं मैं थोड़ा माहौल ही बना लूँ. प्रिपरेशन मैं कर चुकी हूँ उसके आने से पहले. आई लव दिस बेड हेयर. और इतना मज़ा आता है जब हम मूवीज़ के दौरान स्नगल करते हैं. वैसे यूजुअली हम ये रिक्लाइनर्स यूज़ करते हैं टू वॉच अ टीवी और ये शाविन के फेवरेट रिक्लाइनर्स हैं. लेकिन मूवी देखते हुए स्नगल करने का यहाँ पे बहुत ही मज़ा आता है. आज ये शावर लेगा तो नमाज़ पढ़ेंगे. उसको ये होता है कि मेरे से पहले नमाज मत पढ़ लीजिएगा, मेरे साथ पढ़िएगा. तो बस हम नमाज पढ़ के फिर हम मूवी लगाएंगे. पता नहीं उसने मूवी कोई चूज़ की है नहीं की, क्या दुरा था. मैंने मूवी फाइंड आउट कर ली है तो लेट्स सी. आ जाएं, नहीं हो गई है. कैसे लग रहा है? बहुत ही पारू लग रहे हैं माशाल्लाह. नहीं, लेट मी स्मेल. वेरी गुड, गुड बॉय. चलें बिट्टू जल्दी से अब नमाज पढ़ें तो उसके बाद देखते हैं मूवी. ओके ओके. और बॉल्स को हाथ ना लगाया करें, निशान पड़ जाते हैं. मेरे साथ हाथ है. बिट्टू जी पे आदत पड़ जाती है ना फिर. पॉपकॉर्न्स कह रहे हैं रेडी है. चलते हैं जी. टेरा टेरा. ओहो, लोग तो रेडी. मूवी ढूंढ ली आपने? देखें जी, बेल बजी है. पॉपकॉर्न, ये मामा का खाजा है क्योंकि मैंने छोड़ दिया था अपना. थोड़ा सा डिनर अब खाऊंगी. शाफिन का है. ओह, ड्रिंक पी सकता है. मैं नहीं पी सकती कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक. खैर इसको भी अलाउ नहीं है लेकिन आज चलें, वीकेंड है तो. स्नैक टेबल, बच्चा सेट. बच्चे की बार सेट. मूवी ढूंढ ली आपने? कौन सी मूवी देख रहे हैं? नहीं नहीं, द प्रिंसेस स्विच मैंने देख ली हुई है. के पास रखना पड़ता है ताकि सर आराम से खाएं. उठना नहीं पड़े सर को. ये हमारे VIP गेस्ट हैं ना आज के. हेल्दी फूड एंड जंक फूड. वैसे ही ना उनका वो हुआ वैसे. ये देखिए हर चीज इनके मुंह के सामने. साइंस जी, वी आर वाचिंग रेड नोटिस एंड इट्स अ वेरी नाइस मूवी. शॉपिंग तो सो चुके हैं और अब मैंने ड्रामा लगा लिया इसके पर और टेंशन देता रहता है उसको. ये दो मेंटली रिटार्डेड पीछे पड़े हुए हैं उसके. फाइनली इन बेड. गुड नाइट फ्रॉम मी एंड शाफिन. ये था हमारा वीकेंड. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा. सी यू नेक्स्ट टाइम.